नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे जेपी यूनिवर्सिटी छपरा में यूजी कोर्स में 2021-23 में एडमिशन कैसे है, तो स्टेप बाय स्टेप जानते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करेंगे। यहाँ पे ये रहा ऑफिशियल वेबसाइट, इसको अपने ब्राउज़र में ओपन कर लेना है। तो चलिए हम ओपन करके दिखाते हैं आपको। तो जैसे कि देख सकते हैं कि हमारा ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे हमें क्लिक हियर टू यूजी एडमिशन, तो इस पर हमें क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं हम और नेक्स्ट आगे देखते हैं अगला स्टेप क्या होता है। तो हमारा आगे ओपन हो चुका है, इसमें सारा डेटा हमें फिल कर लेना है। नेम, यूज़र नेम, ईमेल आईडी, यूज़र नेम अपने से डालना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने नेम डाल लिया है, यहाँ पे यूज़र नेम अपने से सेट कर लिया है, और यहाँ पे ईमेल आईडी भी डाल देना है, और यहाँ पे मोबाइल नंबर अपना डाल देना है, और यहाँ पे कैप्चा कोड को फिल कर देना है, और यहाँ पे क्रिएट न्यू पे क्लिक कर देना है। क्रिएट पे ओके क्लिक करते हैं। क्योंकि हमने यूजर आईडी जो डाला है वो ऑलरेडी किसी ने पहले से बना चुका है, तो फिर उसमें कुछ चेंजेस करते हैं और फिर नेक्स्ट आपको आगे बताते हैं। तो जैसे कि हमने अपने यूजर आईडी में चेंजेस कर लिया है, तो यहाँ पे एक मैसेज शो कर रहा है, फर्दर इंस्ट्रक्शन हैव बीन सेंड टू योर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी। तो ये हमारी ईमेल आईडी पे एक मेल गया है, वहाँ से हमें पासवर्ड को रीसेट करना होगा, तब फिर हमें लॉग इन करके आगे स्टेप बताते हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको ईमेल पे लेके चलते हैं। तो जैसा कि हम यहाँ पे ईमेल ओपन कर चुके हैं, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक लिंक आ चुका है हमारे ईमेल में। तो इस लिंक पे हम क्लिक करते हैं, लिंक हमारा ओपन हो रहा है, वेट करते हैं। इस लिंक पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे किसी भी ब्राउज़र में इसको ओपन कर लेंगे। तो चलिए हम क्रोम ब्राउज़र में इसको ओपन करते हैं। ओपन हो रहा है, तो देख सकते हैं कि आप यहाँ पे रीसेट पासवर्ड का लिंक आ चुका है। यहाँ पे हमारा यूज़र आईडी है, तो यहाँ पे लॉग इन इन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम अपना पासवर्ड भी रीसेट करेंगे, तो इस पे क्लिक करते हैं। तो देख सकते हैं आप कि यहाँ पे हमारा पासवर्ड रीसेट करने का ऑप्शन आ चुका है। तो हम अपना पासवर्ड को पहले फिल करते हैं, फिर आपको आगे दिखाते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे पासवर्ड डालना है हमें अपने से, न्यू पासवर्ड, उसको कंफर्म भी करना है। ये पासवर्ड हमने डाल लिया है, अब यहाँ पे इसको सेव ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। तो अब यहाँ पे हम सेव पे क्लिक कर लिए हैं। अब यहाँ क्लिक हेयर टू अप्लाई यूजी एडमिशन, इस पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, अब इंस्ट्रक्शन को देख सकते हैं, ये सारे इंस्ट्रक्शन हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं चाहे तो। और उसके बाद आगे आपको यहाँ पे चेकबॉक्स को चेक कर देना है और क्रिएट एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है। तो आगे हम क्लिक करते हैं, तो हमारा यहाँ पे क्रिएट एप्लीकेशन खुल गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सारा डेटा हमारा दिखा रहा है। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ फिल कर लेंगे अपना, और ये जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे, मेल है तो मेल, फीमेल तो फीमेल। अपना रिलीजन सेलेक्ट कर लेंगे, हिंदू मुस्लिम जो भी हो, आपका ब्लड ग्रुप जो भी है। आधार नंबर अपना डाल लेंगे, ईमेल आईडी आपका ऑलरेडी फिल हो चुका है, मोबाइल नंबर यहाँ चाहें तो डाल सकते हैं दूसरा, अनमेरिड है तो अनमेरिड, कैटेगरी जो आपका है EBC, OBC, EWS जो भी है आप फिल कर सकते हैं, और यहाँ से सर्टिफिकेट को अपलोड कर सकते हैं, और यहाँ से आप अपना एड्रेस को फिल कर लीजिए। अगर आपका एड्रेस सेम है तो उसको सेम क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पे हमें डिटेल्स ऑफ इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन पास्ट ये डालना है, तो हमें यहाँ पे फिल करके आपको बताते हैं।
हम यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो यहाँ पे सारा चीज़ हमने फिल कर लिया है। यहाँ पे नेशनलिटी हमें सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे अपना धर्म सेलेक्ट कर सकते हैं, ब्लड ग्रुप क्या है आपका वो डाल दीजिए, अपना यहाँ पे आधार नंबर डाल दीजिए और यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए। अनमैरिड है तो अनमैरिड, मैरिड है तो मैरिड डाल सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पे रिजर्वेशन कैटेगरी अपना फिल कर दीजिए और यहाँ पे अगर डिसेबल्ड है फिजिकली तो उसमें यस लिखे और ना नो टाइप करें। अब यहाँ पे अपना फिल एड्रेस कर देते हैं, एड्रेस करस्पॉन्डेंस अगर सेम है तो सेम कर देंगे और यहाँ पे इंटरमीडिएट पासिंग डिटेल डालेंगे अपना। तो मेरा बोर्ड BSC भी है तो BSC भी डालेंगे, पासिंग ईयर जो है आपका डाल देंगे, एनुअल है तो एनुअल डालेंगे, यहाँ से रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देंगे, रोल नंबर फिल कर देंगे, मार्कशीट का नंबर डालेंगे, मार्कशीट को अपलोड कर देंगे और यहाँ से जिस कॉलेज से आप पास किए हैं उस कॉलेज का नाम डालेंगे, कब एडमिशन लिया था वो डालेंगे, हिंदी इंग्लिश सिग्नेचर डालना है और फोटो डालना है, फिर यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो हम यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं। तो आगे हमारा डिटेल हो गया है, डिटेल्स ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन ये फिल करना है, 500 में कितना मार्क्स आया था तो मेरा जो आया था डाल दिए हैं, श्रेणी क्या है वो डाल दीजिए, क्या स्ट्रीम था आपका साइंस आर्ट्स कॉमर्स जो भी है उसको डाल दीजिए। अब यहाँ पे जो NRBMB में कितना नंबर है हिंदी और इंग्लिश मिला के उसको डाल दीजिए, लैंग्वेज में कौन सा सब्जेक्ट था आपका वो डाल दीजिए, उसका नंबर डालिए। अब यहाँ पे आपका ऑप्शनल में क्या था तो फिजिक्स है तो फिजिक्स डालिए, इसमें नंबर कितना है वो डालिए, सेकेंड ऑप्शनल क्या है जो भी आपका है वो डाल सकते हैं, नंबर उसका डाल दीजिए, एडिशनल में कोई है तो उसको भी डाल सकते हैं वरना छोड़ दीजिए। अब जो आपको एडमिशन लेना है आर्ट्स में साइंस में कॉमर्स में वो डाल दीजिए, तो आर्ट्स में लेना है तो हम यहाँ पर आर्ट्स डाल दिए हैं, ऑनर्स क्या रखना है तो हिस्ट्री, तो यहाँ पर हमने हिस्ट्री को फिल कर दिया है। अब आपका कंपलसरी सब्जेक्ट कितना का रखना है तो हमें हिंदी रखना है तो हिंदी रख दिए, किस कॉलेज में डालना है आपको प्रेफरेंस, 5 प्रेफरेंस डालना है तो हमने सारा 5ों प्रेफरेंस एक एक करके डाल दिया है। उसके बाद यहाँ पर डिक्लेरेशन पर क्लिक करना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको 500-300 रुपये का पेमेंट करना है, यहाँ पे प्रोसीड टू पेमेंट कर सकते हैं और यहाँ पे आपका ऑप्शन आ जाएगा 300 रुपये पेमेंट करने का JP यूनिवर्सिटी के फेवर में। तो यहाँ से आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग और UPI के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। तो जो भी माध्यम आपको अवेलेबल है उस माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। तो धन्यवाद, चैनल पे बने रहें नेक्स्ट अपडेट के लिए। थैंक यू।